सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। आज की तारीख में गई गे तू। जी क्या हुआ जी, अचानक रहते रहते फ्रेम से बाहर निकल गए तुम? क्या मलामत का असर हुआ या कबीर सिंह की आत्मा घुस गई तुम्हारे अंदर? पानी पानी। प्यास लग रही? नहीं, गल्ला चेक करना, कहीं से तो भी लीकेज हो रहा क्या बोल के। तो तुम्हारे को उसके पीछे से भागने की क्या जरूरत थी? अरे मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे देख के साफ कर, जरा देख के साफ कर बोल के, सुन रही ना उन्हें? क्या बोल रही थी मालूम? क्या बोल रही थी? तुम मेरे को नक्कोसी का साफ सफाई कैसा करना सुने? इससे भी कीमती कीमती चीज साफ करी सो मैं। आई नो हाउ टू डू, डोंट टीच मी। Don't teach me, बल्कि फुगट मोते मेरी करके ने मेरी खानदानी सुराई फोड़ दी। अई ऐसे कौन सी कीमती सुराई थी, इतना परेशान हो रहे बोल के? अरे तुम्हार को नहीं मालूम जी, वो खानदानी सुराई थी हमारे परदादा दादा को दिए थे, दादा बाबा को दिए थे, बाबा मेरे को दिए सो है। अरे ऐसा बोल रहे जैसे खानदानी जायदाद दी है। अरे तुम्हार को नहीं मालूम जी उसकी अहमियत? क्या वो तिलस्माती सुराई थी जो ऐसा घिसते जिन निकल के बाहर आता और बोलता हुकुम मेरे आका, या उससे घर में बुरी आत्मा नहीं घुसते? तुम्हारे होते हुए घर में बुरी आत्मा कैसा घुस सकती? क्या बोले? अरे नीचे तुम लगा अम्मा। क्या हुआ रे भाई, अचानक इधर किधर आ गया? वो तुम लोग याद आ रही थी बाप, तो आ गया मैं। झूठ झूठ, अभी से लड़ाई भी तो इन्हें इधर आता। अब क्या हुआ रे बाप? अरे कहा कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल ही से। अरे शादी से पहले कितना अच्छा था देख भाभी ने, अब देख इसकी हालत कैसी हो गई। आओ बाप, चेहरे से रौनक उड़ गई, आंखों से चमक उड़ गई, तालू से बाला उड़ गए, और देख दाढ़ी में भी वाइट बाला शुरू हो गए। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ बाप, जिससे मेरी शादी हुई ना उन्हें पहले मेरी कजन थी, मैं बोलता था उन्हें सुनती थी, फिर हमारा रस्म हुआ, उन्हें बोलती थी मैं सुनता था, फिर हमारी शादी हुई, अब हम दोनों बोलते पूरा मोहल्ला सुनता। अरे आओ बाप, बचपन में मेरी बीवी क्या करती थी, चराने के चौड़ों मान जाती थी, अब आईफोन के नीचे नहीं मान रही। बोलते बाप, एक बीवी घर को जन्नत भी बनाती और दोदक भी बनाती, सही है ये? अरे एक औरत अगर चाहे ना इंसान को लखपति भी बना सकती, करोड़पति भी बना सकती, याकूब को देख, चिंदी था, चिंदी चिंदी नहीं, चिंदी चोर था। वोच, अब देख औरत के कदम से लखपति बने हुआ है उन्हें, लखपति। मेरे को पूरा यकीन है इसको कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर का अंदर ही खा जा रही इसको। अरे हल्लू बोल रहे भाई, भाभी तेरी किचन में सुन लेंगी, तमाशा हो जाता है। अरे अब किसका फोन आया कि किसका फोन है रे भाई? अरे सुकून से बैठने नहीं दे रही यार वो चुड़ैल। हेलो जी, काहे जी? चार मिनट पर बैठा हूँ, खुदकुशी करना सोच रहा हूँ, आते? अजी क्या है जी, हमेशा मरने मारने की बात करते, कभी भी रोमांटिक बात नहीं करते। तो क्या बोलेंगे फिर? अरे जब देखे तब काहे जी काहे जी, तुम क्या कौवा बने हुए है काहे काहे करने के वास्ते में? कहीं उठे सब कर एंड टाइम पे। ऐसे फोन करी आपकी याद आ रही तो। हाँ अचानक क्या हो गया इसको, अभी तो फाड़ के खाने आ रही थी ने, और अभी प्यार आ रहा, मतलब दाल में कुछ तो काला है। हेलो हाँ, ये गुलाबी लाड़ा ऐसी नहीं होते, ये जेबा खाली करने का तरीके है, मेरे को सब मालूम जी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं कुछ भी लाने वाला नहीं हूँ, तनख्वाह को अभी बहुत टाइम है, बीवियों को ऐसे काबू में लाना पड़ता। मालूम है कौन किसको काबू में कर रहा सो? अजी सुन रहे? वो मेरे को ना कुछ खट्टा खाना दिल बोल रहा, आते आते कुछ खट्टी चीज लेके आओ ना। क्या खट्टा? मेरी जिंदगी क्यों खट्टा बना दिया तुम, वो बस नहीं है तुम्हारे को? क्या बोले जी? ये बेकार के मजाक नको करो तुम मेरे साथ। एक चीज लाओ बोले तो नाटक कर रहे। शादी से पहले तो हर ख्वाहिश पूरी करते थे ना तुम मेरी, जब मेरे आँखा बंद थे अब खुल गए, बहुत लूट लिए, बकरा समझ के हलाल कर दिए, अब सब नखरे सामने आ रही,
क्या बोले जी? कुछ भी नहीं बोला बेगम, मैं बोला मैं तुम्हारे नखरे और नाज बरदारिया उठाता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी खिदमत में थी होली हंडी। चलो रे भाई आता, खुदा हाफिज। अरे भाई बैठ। आता। ओ बुल्डोजर कहाँ है? क्या बोले जी? मैं बोला ओ भोली औरत कहाँ है? अरे एक औरत अगर चाहिए ना इंसान को लखपति भी बना सकती करोड़पति। क्या सोच रहे जी? वो तुम मेरे को लखपति बना सकते हो अगर आप करोड़पति है तो। ये दीवानी औरत क्या बोलना क्या नहीं बोलना नहीं मालूम। चेक कर लो इमली कितनी है, बराबर है नहीं है? इतनी चलाए आई, इतनी चलाए तो क्या पूरी दुकान उठा के लाना, नहीं तो इमली का झाड़ उखाड़ के लाना तुम्हारे वास्ते। वो तो क्या जी तुम्हारा, तुम क्या समझे मेरे को, नौकरानी हूं मैं, घर का सब काम मैं करती हूँ। जरा दूसरों को देख के कुछ सीखो। हमारे पड़ोसन है नहीं, उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता मालूम, हर महीना उसको घुमाने को लेके जाता। तो मैं क्या करूं? तुम भी लेके जाओ। अरे मैं 3-4 बार पूछा भाई चलो घूमने जाएंगे कहीं तो भी बोल के, मगर उन्होंने मान रही नहीं ना। अरे मैं मजाक कर रहा था बेगम। तुम्हारा बहुत ही चौजारा जी, देख रही हूँ मैं फोन पे कैसे बड़े बड़े बात कर रहे थे, यहाँ पे भीगी बिल्ली बन के बैठे। अरे नहीं जी, वो क्या है ऐसा एटीट्यूड दिखाना पड़ता, दोस्तों के सामने बीवी को गुस्सा करना पड़ता, ऐसा करे तो क्या पॉपुलर होते। अजी अदमी, मैं तुम्हारे वास्ते क्या तो भी खाबा देखी थी, तुम क्या निकले? शादी से पहले मैं महारानी थी, नौकरानी बना दिए, पापा की परी से घर की वेट्रेस बना दिए मेरे को, मेरे को पापा के खाने चढ़ गया मेरे घर नहीं आ रहा। अरे ये सीन तो इमोशनल हो गया, अब रोमांस का तड़का देना पड़ा। बेगम तुम तो मेरी बात को सीरियस लीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप मेरी अनार के लिए घर को जाने की जिद छोड़ो, यही बात पे एक शेरियादारा अर्ज किया है। इशाद इशाद। अरे क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे बात छुपाते हो? वाह 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 वाह। अरे क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे बात छुपाते हो? मेरा तो दिल ही टूट गया ये बात सुनकर कि तुम गोरे होने के लिए सर्फ एक्सेल से नहाते हो। जी गालिब के थूके हुए पान, क्या समझे मेरे को तुम, मैं भी उर्दू में एमए की सो हूँ समझे। तुम जो शेर बोले ना अभी, उसका जवाब भी मैं शेर से देती हूँ। तुम अगर गालिब के बाबा है तो मैं भी मशहूर शायर मीर की अम्मा हूँ, अर्ज किया है। खड़को खड़को क्या सोच रहे, बोलते या सो जाऊं? अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वाह वाह वाह, पुराना है मगर कंटिन्यू। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हस्बैंड भी ऐसा मिला जिसमें दिमाग कम था। मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ। बेगम तुम तो शायरा निकले। और फिर तुम्हारे को क्या लग रहा था तुम्हें शायरी करते? अब इसको नहले पे दहला देना पड़ता। बेगम एक आखिरी शेर सुनाता, उसके बाद कुछ भी नहीं सुनाता। सोच समझ के बोलो। सोच लिया भी समझ लिया भी, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। एक गजल मैं भी चुराना चाह रहा हूँ, धूम महफिल में मचाना चाह रहा हूँ। बाबा बाबा। एक गजल मैं भी चुराना चाह रहा हूँ, धूम महफिल में मचाना चाह रहा हूँ, पहली शादी तो भोलेपन में हो गई, दूसरी शादी फिर रचाना चाह रहा हूँ। क्या बोले जी आप? दूसरी शादी। एक्शन। नहीं नहीं ठहर ठहर, एक्शन पे तुम जल्दी आना, मैं भागते हुए आ रहा हूँ। क्या हुआ जी, ऐसे रहते रहते फ्रेम से निकल के बाहर, तुम क्या मलामत की? क्या मलामत का असर हो गया? क्या था, देख लो स्क्रिप्ट यहीं से।
जी क्या हुआ जी, अचानक रहते रहते फ्रेम से बाहर निकल गए तुम? क्या मलामत का असर हुआ या कबीर सिंह की आत्मा घुस गई तुम्हारे अंदर? फुकट मोतेबिरी करके मल्ली रिटेक रिटेक। अरे तुम्हारा को उसकी अहमियत नहीं मालूम जी। अरे कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे ऐसा कौन सा खानदानी सुरई कीमती सुरई कीमती सुरई है कंटिन्यू। तुम्हारे रहते हुए घर में दूसरी आत्मा कैसा घुस सकती? क्या बोल रही है? कंटिन्यू सर कंटिन्यू। डोंट कट। बात ऐसा कर रहे जैसा खानदानी जायदाद दिए बोल। एक मिनट। अरे ऐसा बोल रहे जैसा खानदानी जायदाद दिए। अरे ऐसा बोल रहे जैसे खानदानी जायदाद दिए। जायदाद जायदाद। हाँ अचानक क्या होगा इसको अब तो? हाँ कंटिन्यू। हाँ अचानक क्या होगा इसको अभी तो फड़फड़ा के। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ अचानक क्या होगा इसको अभी तो फाड़ के खाने आ रही थी।